हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टीपीएससी कुछ महत्वपूर्ण जो भर्ती हाल फिलहाल में चर्चा में उनके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब लगातार आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। काफ़ी समय से हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो बीपीओ के अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ठीक है इसी सप्ताह यानी कल या परसों में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, या कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। और जो मेंस की जो कट ऑफ है, लगभग आपको बता दूं 72 के आसपास, नहीं तो आपको बता दूं 73.5 प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, 72 अगर 72 के करीब अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। बीपीओ वाले सभी अभ्यर्थी, आपका सिलेबस जारी हो चुका है तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कल या परसों में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी जाएगी। 72 के आसपास वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को मेंस में जो बैठने का मौका मिल रहा है। दूसरे नंबर मुख्य सेविका के बारे में बात करने वाले हैं, तो मुख्य सेविका का पेपर 24 सितंबर को हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे जो बहना परेशान है कट ऑफ को लेकर, तो मैं कट ऑफ पर वीडियो बना चुका हूं। लगभग जनरल में 51-53 के बीच में नंबर पर रहे हैं, तो आपका फाइनल आसानी से हो जाएगा। और आंसर की बात करें तो आपकी जो आंसर की है ऑफिशियली, ठीक है, अभी आपने यूट्यूब से चेक किया, अब जो आयोग जारी करेगा वो लगभग 30 सितंबर तक आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसी बीच हम बात करने वाले बंदरगाह के रिजल्ट के बारे में और इसकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अगर बंदरगाह में आपके लगभग 68 से भी यानी कि 68 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका जो रिजल्ट है लगभग इसी महीने या अगले महीने तक आने की पूरी उम्मीद है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। क्योंकि जैसे एक आज नोटिस आ गया यानी कल या परसों बीपीओ की शॉर्ट लिस्ट जारी होने वाली, तो लगभग बंदरगाह वगैरह इन पर पूरी तरीके से कार्य किया जाएगा। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए अपनी फिजिकल के लिए, अगर 68 के करीब नंबर में तो आपका आसानी से हो जाएगा। हम लेखपाल के बारे में बात करने वाले, देखो लेखपाल के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कट ऑफ को लेकर, तो जहाँ तक उम्मीद है कट ऑफ आपकी 80 क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, और जो रिजल्ट के बारे में, जो फाइनल रिजल्ट आपका जैसे कि डीबी होने के बाद कब तक आएगा, तो लगभग आपका जो रिजल्ट है दिसंबर या जनवरी के महीने में जारी कर दिया जाएगा। और उम्मीद है जल्द आपको जो जल्द से जल्द आपको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है तो उससे पहले उम्मीद है कि आपको जल्द ही आपकी जो भर्ती है कंप्लीट करा दी जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड वाले अभ्यर्थी परेशान है मेडिकल को लेकर, तो आपको बता दूं आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, अभी लगातार बच्चे आयोग भी जा रहे हैं और जो कुछ भी अपडेट होगी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड आपको बता दी जाएगी। वीडियो रिवाइज आंसर की कुछ अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा परेशान है वीडियो रिवाइज आंसर की वजह से, तो आज की कब तक जारी होगी, देखो आपको बता दूं इस महीने उम्मीद है, अन्यथा आपको बता दूं अगले महीने में ही जारी हो पाएगी। हालांकि कुछ यूट्यूबर लगातार आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, एक आज हो जाएगी कल हो जाएगी, मगर अभी तक इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं, मगर उम्मीद है कि लगभग अगले महीने तक आपकी अगले महीने में ही अब जो रिवाइज आंसर की जारी होगी। ठीक है, तो यही अपडेट थी। अगर और कुछ भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।